हेलो फ्रेंड्स, कल निफ्टी 150 पॉइंट गिर गया। स्टार्टिंग ऑफ द डे नहीं, बट 10 बजे के ड्यूरेशन में। तो आपको मैं कहना चाहूँगी कि चाहे आप एक लॉट से ट्रेड करो या मल्टीपल लॉट से करो, आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, क्योंकि हीरो ज़ीरो का डे होता है और मार्केट कब गिर जाए इसका कोई भी टाइम फ्रेम नहीं होता है। और 10 मिनट में करीबन 150 पॉइंट मार्केट गिरा है निफ्टी में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप ट्रेड लेते हो, आप देखो कि आपका टारगेट क्या होगा और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मार्केट वापस आपके डायरेक्शन में आ रहा हो, तो आप री एंट्री कर सकते हो, पर बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड ना करिए। इससे आपके बिग लॉसेस होने से आप बच सकते हो। तो स्टॉप लॉस ज़रूरी है, चाहे आप निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, क्रूड ऑयल में करो। क्रूड ऑयल में थोड़ा टाइम लेता है मार्केट गिरने में, बट एक दूर का स्टॉप लॉस तो भी आपका होना चाहिए।